आयोटा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी खलवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस मिल जाएगा। पॉलीनोमियल क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ आप जाना, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मैंने इसको मान लिया है कि लेट द पॉलीनोमियल हमारा एफ ऑफ एक्स है ये 8x2-4। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी जिस तरह से सॉल्व करना है। या तो आप क्या करो, क्योंकि हमें मालूम है जीरोज निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को तुम्हें अपन जीरो मानेंगे, ठीक है ना। तो या तो ये 4 को इस साइड भेज दो, तो 4 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, है ना। और जब ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई में आएगा। तो प्लस 4 बाई 8 यानी कि 1/2 आएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और फिर क्या करेंगे हम लोग, जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर 1/2। तो एक बार प्लस में मिलेंगे, एक बार माइनस में मिलेंगे। हमें मालूम है कि जब रूट में कोई नंबर आता है तो एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, और इस तरह से फिर आपका आंसर आ जाएगा कि प्लस 1/√2 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा -1/√2। तो ये आपका आ गया दो जीरोस। या नहीं तो दूसरा तरीका, मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हम लोग इसको 8x2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखना देर स्टूडेंट्स कि 2√2x2। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 2√2, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और √2 × √2 हो जाएगा 2। तो यानी कि 4 × 2 = 8, यानी कि 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2√2। तो ये हो गया 2√2, एक्स को एक्स रहने दिया तो 2√2x2 ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना, तो 4 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो a² - b² के फॉर्मूले में आ गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a + b × a - b, यानी कि 2√2x+2, ओके। एंड और क्या हो जाएगा हमारा कि a + b × a - b, यानी कि 2√2 - 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2√2x लगाएंगे, x - 2। तो ये हो गया हमारा a + b × a - b, और यहाँ से हम लोग दो जीरोज आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि एक हो जाएगा हमारा क्या कि 2√2, है ना, 2√2x = 0, और दूसरा हो जाएगा एंड, और दूसरा हो जाएगा हमारा कि 2√2x - 2 = 0। तो यानी कि 2 हमारा आ गया, यहाँ से एक निकल जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो यहाँ से एक जीरो निकलेगा, क्या हो जाएगा हमारा कि जब ये 2√2 + 2 है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो है हमारा 2√2x + 2 है, +2 = 0, है ना। तो या तो एक बार ये इतना इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या नहीं तो एक बार हमारा इतना इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चलिए तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सोचो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2/ क्या हो जाएगा 2√2, यानी कि 2√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो गया हमारा, यानी कि एक आ गया हमारा x का वैल्यू -1/√2। इतना ही आ रहा था हमारा पिछले वाले तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरा, और इसके बाद ये यहाँ से जब अपन निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2√2 है डियर स्टूडेंट्स, 2√2 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस में, तो +2/ ये आएगा तो बाई में आएगा, तो 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से जो x इज इक्वल टू आएगा वो 1/√2 आ जाएगा। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 1/√2। तो x का दो वैल्यूज निकल गया, एक माइनस में -1/√2 और एक प्लस में +1/√2। ऐसे ही हमारा पिछले वाले तरीके से भी बिल्कुल सेम आ रहा था, हम लोगों ने देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया हमारा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसको अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ तो -1/√2, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कि 1 बाई
रूट टू, तो दो हमारा जीरोज आ गया है ना, अल्फा और बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि इसके उसको वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है पहला जीरोज जो है निकाल रहे हैं, पहला वेरीफिकेशन का दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप निकाल रहे हैं पहला वाला, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि देखो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आया है माइनस वन, तो देखो माइनस वन बाय टू रूट टू है ना, ये आया है, प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आया है क्या कि वन बाय टू रूट टू, ठीक है, एक माइनस में आया था एक प्लस में आया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ही अपन बोलते हैं कि माइनस बी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए हो जाएगा। तो देखो तो डिस्टेंस, ये टर्म और ये टर्म कट के जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी, अब देखो तो बी हमारा जीरो होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो यानी कि बिल्कुल सही आया है हमारा, ठीक है ना, बाय ए। अब ए हमारा क्या है, एट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एट है, तो बाय में आप कुछ भी लिख दो कोई हर्ज नहीं पड़ता, आप एट लिखो, नाइन लिखो, जीरो, क्योंकि जीरो बटा एनीथिंग तो जीरो ही होता है हमारा। तो ये आ गया पहला रिलेशनशिप। आइए अब हम लोग दूसरा रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है दूसरा रिलेशनशिप निकाल के दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है हमारा, माइनस वन बाई टू आया है, तो चलिए माइनस वन बाई रूट टू इंटू बीटा का वैल्यू आया है वन बाई रूट टू, तो ये आ गया हमारा वन बाई रूट टू, चलिए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बोले तो यानी कि सी, तो सी हमारा कितना है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट टर्म, तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x बोलो तो a, ये हो गया a। चलिए इसको अगर अपन सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू वन माइनस वन ही रह जाएगा, एंड रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन a। तो अब देखो तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारा कॉन्स्टेंट टर्म माइनस वन है, तो देखिए कॉन्स्टेंट टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस फोर है, सर यहाँ तो माइनस फोर आ रहा है आपका, माइनस वन है, कोई बात नहीं है, अपन फोर से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ऊपर नीचे, तो फोर वन जा फोर, तो ये तो हमारा फोर हो जाएगा है ना, और फोर टू जा एट, ये हमारा एट हो जाएगा। तो फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब देखो बिल्कुल मिलेगा सी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो सी इज इक्वल टू जो है हमारा माइनस फोर बिल्कुल आ रहा है। ए का वैल्यू हमारा 8 आना चाहिए, तो ए इज इक्वल टू 8 है, बिल्कुल सही है। तो यही मुझे निकाल के दिखाना था डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम लोगों ने दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।